और साथी नहीं थे, हमसे बहुत गुणी गुणी थे। मैं रमा शंकर मिश्र को कैसे भूल जाऊंगा, इतना अच्छा गाते थे, हमारे गांव में रामलीला में राम बनते थे। तो समय के साथ उनको ड्रग्स की आदत पड़ गई, वो हीरोइन पीने लगे, मेरी बात वो भी सुन रहे होंगे, गांजा पीने लगे। और मैंने एक बड़ा महान कलाकार को अपनी आंखों के सामने उसको बिखरते देखा, समाप्त होते देखा। हम और रामाशंकर भाई आज भी हम लोग बहुत संपर्क में हैं, बातचीत होती है, जाते हैं तो बैठते हैं। लेकिन रामाशंकर भैया का, वो हमसे उम्र में 1 साल 1.5 साल बड़े हैं। मुझे बबन तिवारी याद आता है, गांव का इतना होनहार बच्चा था, नशे ने उसको आज पागल की स्थिति में ला दिया है। वो सुनत हुई गांव में बैठ के, हमारी बात अगर कोई सुना दी ओकरा के, तो हम उससे मिलते हैं आज भी। मैं गांव जाता हूं तो बड़ी भीड़ में वो दूर खड़ा होता है, दूर से देखता है, उसकी फीलिंग को मैं समझता हूं उसकी फीलिंग। लेकिन गांजा ने उसको बर्बाद कर दिया। सफलता सिर्फ खूब पैसा हो जाना या फिर खूब बड़ी बड़ी कोठियों में रहना, बड़ी बड़ी गाड़ियां होना, मैं इसको सफलता नहीं मानता। हो सकता है वो सुख हो सकता है, थोड़े समय का सुख हो सकता है, लेकिन जो संघर्ष में और जो अपने आपका जो भी छोटा परिवार हो, परिवार में आपस में प्रेम हो,